चलें अब यहाँ पे एक दूसरा और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमने राउंडेड रेक्टेंगल लिया और इसको यहाँ से राउंड कर दिया, क्लिक किया यहाँ पे और इसको शिफ्ट के साथ 45 डिग्री पर रोटेट कर दिया, क्लिक किया इसको यहाँ से रिफ्लेक्शन के साथ, हमने यहाँ से ऑल्टर के साथ क्लिक किया, सेलेक्ट नहीं हुआ, दोबारा सेलेक्ट कर लिया रिफ्लेक्शन, क्लिक किया ऑल्टर के साथ, कॉपी किया, ये ऑब्जेक्ट बन गया, क्लिक किया सेलेक्ट किया शेप बिल्डर लिया ऑल्टर के साथ यहाँ से और यहाँ से रिमूव किया और बगैर ऑल्टर के इस तरह से बना दिया। अब इस तरह का एक हार्ट शेप बन गया, क्लिक किया यहाँ से वाइट कलर इसके ऊपर आउटलाइन पर लगाया और इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि ये कुछ इस तरह से नजर आए, सेलेक्ट किया इसको, इफेक्ट्स में गए, डिस्ट्रैक्ट एंड ट्रांसफॉर्म में चले गए, सेलेक्ट किया इसको 90-90 की पोजिशन पर, यानी कि टॉप एंड बॉटम से 10-10 पॉइंट कम हो जाए और इसकी कॉपीज को यहाँ से जनरेट करा दिया। ठीक है, इस तरह से भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और इसी में थोड़ा सा वेरिएशन लाना है तो इसमें एंगल डाल दीजिए, एक इस तरह का एंगल डाल दें 12 का, ठीक है, ओके करें और ऑल्टर के साथ यहाँ से क्लिक करें, इसके बराबर में एको ले लें और विंडोज में जाके अपीरियंस को एक्टिवेट करें और इसके इफेक्ट्स को यहाँ से एडिट करें और इसको -12 का इफेक्ट डाल दें, ठीक है, और फिर इसको कलर्स स्ट्रोक्स पे डिफरेंट लगा दें। तो ये इस तरह का इम्पैक्ट भी क्रिएट किया जा सकता है इसी के अंदर।